आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको ईबे की रिटर्न पॉलिसी के बारे में बताऊंगा। देखिए, ईबे की रिटर्न पॉलिसी है वो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इन सब, मीशो वगैरह, इन सबसे बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि उनकी रिटर्न पॉलिसी है बहुत ही ज़्यादा ईजी है और बहुत ही ज़्यादा कस्टमर सेंट्रिक है, मतलब कस्टमर के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। उन्हें बस कोई भी रीज़न लगा के रिटर्न कर देना है और वो रिटर्न कर देंगे, चाहे बात कुछ भी हो, आसानी से रिटर्न कर देते हैं कस्टमर। लेकिन ईबे पे ऐसा नहीं है। ईबे पे आपके पास ऑप्शन है रिटर्न के साथ, आपको मतलब अपनी प्रेफरेंसेस सेट कर सकते हैं रिटर्न की। जैसा कि मैंने आपको ईबे के सेलर रजिस्ट्रेशन के वीडियो में बताया था कि यहाँ ऑप्शनल रिटर्न पॉलिसी है, मतलब अपनी प्रेफरेंसेस के द्वारा रिटर्न को सेट कर सकते हैं। अब वो कैसे करते हैं मैं आपको बताऊँगा। देखिए, जब भी ईबे की लिस्टिंग करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा। पहले जिसको ईबे की लिस्टिंग करना सीखनी है, चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगा। खैर, जो भी है, जब आप किसी भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करेंगे ईबे के अपनी, और जहाँ बिल्कुल नीचे नीचे आएंगे, या नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा होगा प्रेफरेंसेस, ठीक है। तो आप प्रेफरेंसेस पे पेंसिल वाले साइन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रिटर्न्स का जो कॉलम दिया होगा, इसमें दो तरीके के रिटर्न्स हैं, एक डोमेस्टिक रिटर्न्स और इंटरनेशनल रिटर्न्स, ठीक है। डोमेस्टिक रिटर्न्स मतलब अगर आप इंडिया से बेच रहे हैं, अपनी किसी भी कंट्री से बेच रहे हैं, और अगर आपका जो शिपिंग है वहीं जा रही है, तो उसके लिए डोमेस्टिक रिटर्न्स होते हैं। और इंटरनेशनल मतलब आउटसाइड द कंट्री, ठीक है, मतलब कंट्री से बाहर। इसमें क्या होता है, आपको ऑप्शन दिया है कि आप रिटर्न एक्सेप्ट करें या नहीं, और अगर आपको रिटर्न भी एक्सेप्ट करना है तो किन कंडीशंस पर करना है। जैसे मैं दबाऊंगा, मान लीजिए डोमेस्टिक रिटर्न्स है, तो मैं दबाऊंगा, इसको ऑन कर दूंगा रिटर्न्स को। तो इसमें कुछ कंडीशंस दी होंगी रिटर्न एक्सेप्ट करने की, देखते हैं। जैसे कि इसमें क्या है, रिटर्न कितने दिन के लिए अलाउड होगा, और जो रिटर्न की शिपिंग है वो कौन देगा, बायर देगा कि आप देंगे, ठीक है। इसके अलावा रिटर्न किस तरीके का, मनी बैक होगा या मनी बैक और रिप्लेसमेंट आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और सेम ऐसे ही इंटरनेशनल रिटर्न्स में भी सेम यही सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। इसमें दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए वही सारे रिटर्न्स हैं, यही सारे ऑप्शंस हैं कि शिपिंग की फ़ी कौन पे करेगा, ठीक है, और कितने दिन का रिटर्न अलाउड है। इसमें 14 दिन तक का ऑप्शन दिया हुआ है, और मनी बैक है कि रिप्लेसमेंट है, ठीक है। अब आप अपने हिसाब से चुन सकते हो, चाहें तो आप रिटर्न को बंद भी कर सकते हैं, ठीक है, वो आपके हिसाब से है। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। आप ये बिल्कुल नहीं सोच सकते कि रिटर्न तो आएगा नहीं, मैं कुछ भी भेज दूँ बायर को या चीटिंग कर लूँ, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इनकी एक पॉलिसी है ईबे मनी बैक गारंटी, हालांकि उससे रिटर्न करना कोई बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, वो अमेज़ॉन की तरह नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे कि आपने मेंशन किया हो, यहाँ पे मेंशन किया हुआ, इसमें लिखा है नो रिटर्न एक्सेप्टेड, लेकिन यहाँ नीचे लिखा है अनलेस आइटम इज़ नॉट एज डिस्क्राइब, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर आइटम में कुछ प्रॉब्लम होगी, डिफेक्ट डैमेज होगा, या बेवकूफ़ बना के कस्टमर को आइटम दिया गया है, तो वो ईबे की मनी बैक गारंटी लगा के रिटर्न ले सकता है, रिफंड ले सकता है, ठीक है। हालांकि उसके लिए उसको प्रूफ करना होगा ईबे को कि प्रोडक्ट में सच में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना, वो तो ही रिटर्न कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था, मेरी रिटर्न पॉलिसी के बारे में समझना था आपको, ठीक है। थैंक यू।